बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जिले के महाराजगंज के रामप्रीत मोड़ के समीप 5 अगस्त को दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड में 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सूत्रों की माने तो पुलिस अपनी नाकामयाबी छिपाने को लेकर अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, बावजूद इसके हाथ कुछ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ हवा में ही तीर चला रही पुलिस इस घटना को जल्द सुलझा लेने का भी दावा कर रही है। इधर कई दिन बीत जाने के बाद भी इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं होने से जिले के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अचानक हुए वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। इधर वारदात की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन ने बदमाशों को पकड़ने को लेकर नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी थी, बावजूद सफलता हाथ नहीं लग सकी। और तो और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अब तक पुलिस वारदात का कारणों का भी पता लगाने में असफल रही। गौरतलब है कि 5 अगस्त के दिन ही जिले के महाराजगंज के रामप्रीत मोड़ के समीप फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार बदमाशों ने अनाधून फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के दौरान कुल 4 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें 2 लोग अरमान मंसूरी वो सुदामा यादव की मौत हो गई और 2 लोग मनीष वो अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।